हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप CS5 में हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल के बारे में जानेंगे, जिसके लिए हम टूल बॉक्स में से टेक्स्ट टूल के ऊपर राइट क्लिक करते हैं। टेक्स्ट टूल पर क्लिक करते ही टेक्स्ट टूल का फ्लाईआउट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा, जहाँ पर हम देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल। आप देख सकते हैं यहाँ पर इन दोनों मास्क टूल की शॉर्टकट है टी। आप कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ टी प्रेस करके इन दोनों टूल्स को या इस फ्लाईआउट में जितने भी टूल्स हैं उन्हें वन बाय वन एक्सेस कर सकते हैं। हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल। उसके बाद हम यहाँ पर अपनी इमेज पर कहीं पर भी क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी इमेज है वो लाइट पिंक कलर से कवर हो गई है, और ये जो कलर हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है ये डिफॉल्ट कलर है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर टेक्स्ट एंटर करते हैं। सपोज हम यहाँ पर टाइप करते हैं द सी। टेक्स्ट टाइप करने के बाद आप टूल बॉक्स में से किसी भी टूल पर क्लिक कर देंगे। हम यहाँ से मूव टूल पर क्लिक करते हैं। मूव टूल पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो सिलेक्शन में चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर एडिट मेन्यू में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कॉपी। आप कीबोर्ड से कंट्रोल सी करके भी कॉपी कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से हम यहाँ पर एडिट मेन्यू में जाएंगे और अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे पेस्ट। आप कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके भी पेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर पेस्ट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर टेक्स्ट हमें हाईलाइट नहीं हो रहा है, और लेयर पैलेट पर आप ध्यान देंगे तो लेयर वन के नेम से एक लेयर यहाँ पर क्रिएट हो गई है जहाँ पर हमारा टेक्स्ट पेस्ट हुआ है। अगर हम यहाँ पर मूव टूल से इमेज के ऊपर मूव करें जहाँ पर हमने टेक्स्ट लिखा था, आप देख सकते हैं टेक्स्ट हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, बट हमें जहाँ पर पानी का इफेक्ट है वहां पर हमें क्लियर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ लेकर आते हैं तो यहाँ पर हमें प्रॉपरली दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि ये हमें वाटर के ऊपर भी प्रॉपरली नजर आए तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लेयर वन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही लेयर स्टाइल की विंडो हमारे सामने डिस्प्ले हो जाती है। सपोज हम यहाँ पर स्टाइल्स में से सेलेक्ट करते हैं ड्रॉप शेडो। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ड्रॉप शेडो पर। ड्रॉप शेडो पर क्लिक करते आप देख सकते हैं कि इमेज के ऊपर टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ही हमने ड्रॉप शेडो पर क्लिक किया यहाँ पर ड्रॉप शेडो का स्ट्रक्चर हाईलाइट हुआ है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लेंड मोड यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है मल्टीप्लाई। हम इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके ब्लेंड मोड को चेंज कर सकते हैं। हम इसे नॉर्मल कर देते हैं। इसी तरह अगर आप इसकी ओपेसिटी कम ज्यादा करना चाहते हैं वो आप इस स्लाइडर के थ्रू अपने अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। हम इसे 80% कर देते हैं। इसी तरह आप यहाँ पर इसका डिस्टेंस भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगता है। इसी तरह अब हम यहाँ पर बेवल एंड एम्बोस पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने यहाँ पर बेवल एंड एम्बोस पर क्लिक किया है हमारा जो टेक्स्ट है इमेज के ऊपर वो काफी उभर गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह अब हम यहाँ पर ग्रेडियंट ओवरले पर क्लिक करते हैं। देन हम यहाँ पर ब्लेंड मोड को नॉर्मल रहने देंगे और ग्रेडियंट के ऊपर इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ग्रेडियंट मिलेंगे। जो भी ग्रेडियंट आप अपने टेक्स्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपना ग्रेडियंट बनाना चाहते हैं तो आप ग्रेडियंट के ऊपर ही यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही ग्रेडियंट एडिटर की विंडो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी, जहाँ पर आप लास्ट वाले कलर बकेट के ऊपर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करते ही कलर पैलेट हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। आप यहाँ से ब्लू कलर या लाइट ब्लू कलर को सेलेक्ट करेंगे। अब हम यहाँ पर ओके करते हैं और ग्रेडियंट एडिटर विंडो को भी ओके करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि वो शेड हमारे टेक्स्ट में अप्लाई हो गया है। आप यहाँ से स्टाइल में जाकर देख सकते हैं। अभी यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो रहा है रेडियल। आप इस ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके अपने इस स्टाइल को अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। लीनियर कर सकते हैं, एंगल करना चाहते हैं एंगल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपको ठीक लगता है वो स्टाइल आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर इसे रेडियल ही रहने देते हैं। इसी तरह अगर आप अपने टेक्स्ट में पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ से पैटर्न ओवरले पर क्लिक करेंगे। आप इस वाले ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करके जैसा भी पैटर्न फिल करना चाहते हैं वो पैटर्न आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। हम यहाँ पर पैटर्न ओवरले के ऊपर से चेक का साइन अनचेक करते हैं क्योंकि हम अपने टेक्स्ट में पैटर्न फिल नहीं करना चाहते हैं। इसी तरह आपको यहाँ पर स्ट्रोक का ऑप्शन भी दिया है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से अपने टेक्स्ट के लिए स्ट्रोक भी अप्लाई कर सकते हैं। आप यहाँ से स्ट्रोक के लिए कलर को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल अभी हम यहाँ पर इसे कैंसिल करते हैं और स्ट्रोक के लिए भी जो चेक का साइन हमने यहाँ पुट किया है उसे अनचेक कर देते हैं और अब हम इसे ओके करते हैं।
फिर आप यहाँ पर लेयर पैलेट में देख सकते हैं कि जो जो इफेक्ट हमने अपने टेक्स्ट पर अप्लाई किए हैं वो लेयर वन के नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं कि हमने अपने टेक्स्ट पर कौन कौन से इफेक्ट अप्लाई किए हैं। तो इस तरह आप हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल और वर्टिकल टाइप मास्क टूल की हेल्प से इमेज को टेक्स्ट में मास्क कर सकते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो हमने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल का यूज करना सीखा है, लेकिन हमें यहाँ पर टूल बॉक्स में टेक्स्ट टूल में यहाँ पर हमें वर्टिकल टाइप मास्क टूल दिया है। ये टूल हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क टूल की तरह ही काम करता है, बस इसमें हम अपने टेक्स्ट को वर्टिकली टाइप कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में हम हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट को टाइप करते हैं और वर्टिकल में हम वर्टिकली टाइप कर सकते हैं, और काम दोनों का सेम है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम एडोब फोटोशॉप